लाखों रुपए की पुराने नीम की लकड़ी काट रहे माफियाओं पर राजस्व टीम ने दलबल के साथ पहुंचकर पंचनामा बनाया है। कार्यवाही में लकड़ी और औजार भी जब्त किए। कोरोना महामारी के बाद शासन प्रशासन के साथ आम जनमानस भी वृक्षारोपण की ओर ध्यान दे रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लकड़ी माफिया आम आदमी और शासन प्रशासन को अंगूठा दिखा रहे हैं। हरे भरे नीम के पेड़ जिनके हमें ऑक्सीजन मिलती है नर्मदा तट से अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी कितनी नज़र रखे, और फिर ऐसा जमाना आ गया है कि फरियादी अपनी जान जोखिम में डालकर शिकायत करे तो कैसे करें। बताया जा रहा है कि ग्राम माँ शारदा का व्यापारी है जो मुकेश धनगर के खेत में महंगे दामों से पेड़ की लकड़ी काट कर प्रशासन को देख कर सभी सामान औजार छोड़कर भाग गया। लकड़ी का अनुमानित वजन 15 टन है जिसकी कीमत लाखों रुपये है। मनावर से लोकेंद्र यादव की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।